जरा खान, पिकनिक पर नहीं जा रहे आप? पिकनिक? कौन सी पिकनिक? आपकी कॉलेज वाले ने जो पिकनिक अरेंज की है। तुम में से कोई भी नहीं आएगा, समझे ना? सब लोग चल के आएंगे, फिर मैं चलूंगा ऊपर। चलो। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। मैंने सोचा कि और दिनों में कंटेंट के पीछे दौड़े लगा लगा कर भी कंटेंट हाथ नहीं लगाता, आज फ्री में मिल रहा है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी ब्रो, लेट्स गो। तो आजकल यार इसको इग्नोर करो, आजकल यार मसला ये चल रहा है कि हमारे एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं तो वीडियोस थोड़ी कम मैं अपलोड कर रहा हूँ। सारा दिन लुसिफर और परिजात देख रहा होता है। अच्छा ठीक, आपका हो गया? नहीं, गुड, तो बेयर इट विद मी, थैंक यू। अब भाई सब चूंकि सफ़र छोटा है लेकिन है, तो च्युइंग गम उठाते हैं अपने लिए और मास्क, क्योंकि ज़रूरी है, आपको पता है। और पहली बार करीम ने हमारे साथ वफादारी की है तो लव यू हो गया, मतलब उन्होंने गाड़ी हमारे लिए भेज दी कि चलो आज आप लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, आज आपके लिए ड्राइवर अवेलेबल है। तो करीम भाई साहब, वी आर डन हेयर, लेट्स गो। सो या वी आर हेयर, दिस इज आवर कॉलेज क्लिनिकल कैंपस। प्री क्लिनिकल वो है, क्लिनिकल ये कैसे बाद में करेंगे। खैर अभी चलते हैं, ये वाले बसेज अरेंज किए, हमारे साथ वादा किया था कि AC बसेज होंगे, तो चलो ये वाला वादा तो अभी तक ठीक रहा, बाकी आगे देखते हैं क्या करते हैं हमारे साथ, पैसे वर्थ है कि नहीं, मजाक कर रहा हूँ। इन लोगों ने जो वादा किया था ना AC का, वो तो मुकम्मल कर दिया, लेकिन बस वही कराची वाली पुरानी बस है, अटलने वाली। अब भाई साहब ये तो वो वाली बात हो गई, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। क्वेश्चन पूछना है आपसे। जी पूछे। यार ये नाम तो टर्टल बीच है, इधर टर्टल लॉन्च नहीं। बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन सा हुआ है, जामी शिरीन सा लग रहा है। भाई साहब अभी बस से उतार दिया गया है हमें, मतलब के फर्स्ट ईयर वाले उतर गए। बहुत दुख हो रहा है हमें, ये वजह पता चली क्या वजह है? प्रैंक हो गया आपके साथ। क्या बस से क्यों उतारा? क्यों? मुझे यूँ लगता है कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को नए बस में बिठाते हैं। अच्छा हाँ, फिर भाई आपकी तरक्की होगी। मुबारक हो, मुबारक हो। सही वाले अभी उस्मान भाई आपकी तरक्की हुई, हमारे साथ प्रैंक हुआ है, प्रैंक। बाकी सबसे तो आप तकरीबन मिले हुए हो, लेकिन ये बंदा न्यू है व्लॉग्स में, ये भी हमारा दोस्त है, क्लासमेट उस्मान, उस्मान मलिक, उस्मान मलिक फ्रॉम शादी के बाद, शादी के बाद। गुड, कौन सा आपको किसने खत लिख दिया कि एड्रेस हम दे रहे, बाकी बात जो हो जाएगा। बस की फिजा तो पहले से ही सेट थी, लेकिन इस भाई साहब ने चार चांद लगा दिए। जिंदगी के इस खूबसूरत लम्हे से निकलकर मैंने बाहर रोड्स की तरफ देखना शुरू कर दिया, और वाकई में मुझे पता चला कि किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आने वाले कल के लिए हम अपना आज खराब कर देते हैं। भाई साहब आज मिला है आपको,
इस लम्हे को भरपूर जीना सीखो, जीना तुम्हें आ जाएगा। सफर जितना भी लंबा हो, मंजिल पर पहुंचना शर्त है। जगह लग तो साफ रही थी, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। दो घंटे का सफर मुझे भी बना, थोड़ा सा नींद आ रही है। हम हो गए, हम अपना चश्मा लगा। अभी हम इधर हम पहुंच गए। और सामान सब अपने साथ लेकर के आए, कोई चीज गाड़ी में नहीं छोड़ी। भाई साहब अभी मसला ये है कि इधर आ तो गए हैं, लेकिन जिस तरह आ गए तो एज यूजुअल मेरे एक दोस्त है, करने की जगह नहीं मिल रही यार मुझे, वो टेंशन है। तो एज यूजुअल एंड एज एक्सपेक्टेड सही है, वही हुआ हमारे साथ। तो अभी वो ढूंढने की कोशिश में है, वो मिल जाए फिर आपको सी व्यू दिखा देंगे, जो व्यू है ना, टेंशन नहीं लेनी आपने। ये तो कराची का मौसम है, उधर से निकले तो पूरा वो अपर पहना हुआ था, वो वाला सीन। झूठ बोल रहा है, नहीं पहना था इसने। नहीं नहीं, सुबह ये आप लोगों को खुला खुलम गुमराह कर रहा है, इसकी वीडियोस ना देखा करें। अगर मेरी बात सुनो, मैं खुद इसको कभी सब्सक्राइब करता हूँ। बस इसके लिए आपने यूट्यूब पर आना है, यूट्यूब पे। हाँ यूट्यूब पे आना है मैंने। हाँ बस मैं आपको ला रहा हूँ। तो कराची का मौसम जो है अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रेडिक्टेबल है, लाइक अभी बहुत गर्मी, गजब बेइज्जती है। भाई साहब हम आए पिकनिक पर और बैठे इस तरह कुर्सियों पर है जिस तरह किसी की शादी हो रही हो और हम रात के लिए आए हो। क्या मज रहा है कासिम? समझ नहीं आ रहा, बस कुछ तो हो रहा है हमारे साथ। अभी तो बनाई थी वीडियो, सही है ना, ज्यादा शॉर्ट्स होंगे तो मुझे चॉइस ज्यादा मिलेगी, मैं फिर बस को डिलीट कर दूंगा। 3000 में ना कॉलेज वाले मुझे, ना मैं इस गुरबत में आपको, गोरों की बीच तो नहीं घुमा सकता, बस जितना हम कर सकते हैं आपके लिए कर रहे हैं, तो एंजॉय करें। सीन्स कुछ ऐसे है जिस तरह आप देख रहे हैं। आज तुम्हारे लिए दिन बनाता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, बार बार चलो। हमने देखा कि आप किश्ती के साथ खड़े थे, फिर आपकी डील नहीं हुई, क्या मसला था? मैंने किश्ती का बहुत गौर से मुआयना किया, मुझे मजबूत नहीं लगी मजबूत नहीं लगी किश्ती, तो इसलिए अब मैं खतरा नहीं लेना चाहता। अच्छा, और ऊपर से जो पीला पीला सा चीज बनाते हैं इसमें भी मजबूती नहीं दिखी, इसका फाइबर भी इसको बच्चे ने मारा रेत से, तो इसको एक सॉन्ग डेडिकेट करते हैं हम, दिन मर जाएगा। तो बहुत सोच और विचार के बाद मैंने फाइनली कश्ती में बैठने का फैसला किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दुनिया एक अजीम व्लॉगर को बैठे। मतलब मजा आ रहा है आपको? बहुत फुट का वो एंजॉय किया। आप तो नहीं आ रहे थे, आप वो इरादा कैसे बदल गया? मैं डर रहा था ब्रो।
तो असल में यार इस तरह है कि आपकी पहनिया की ब्लॉगर 49 के पास बैटरी ख़त्म हो गई है, तो अभी हफीज़ के कैमरे से हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि व्लॉगिंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए। तो बस सीन में कुछ और, बोट के बाद कुछ और नहीं है तो लगे हैं ये सी व्यू देख रहे हैं। कहते हैं समंदर में आए और में नहीं नहाया तो क्या क्या है उधर ही तुम क्या हो? हम नहाए, हमने जोर से नहीं नहाया। भजन बंदा बोट पर बीच पर चला जाए या मून पर, पेट का इंतजाम तो करना है, तो अभी सिर्फ चाय उठाइए, बाद में देखते क्या मिलता है, आपके साथ शेयर करेंगे। असल में रश इतना था खाने के लिए, तो बहुत तकड़े के बाद फाइनली थोड़ा बहुत हमें मिल गया जो हमारा हिस्सा था। मतलब आप जितना ले सकते थे, जितना आपको चाहते थे ले सकते थे, लेकिन हमने इतना ही उठाया, बस इतने से हमारा काम इंशाल्लाह हो जाएगा। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। मसरूफ जिंदगी में थोड़ा सा टाइम निकाल कर गाना भी गा लिया हमने। रंग थे नूर दा जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां, वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहां। कोशिश मैंने अपनी पूरी की, लेकिन भाई साहब सच बताओ तो मुझे खुद भी मजा नहीं आया, क्योंकि जब आप गा रहे होते हो तो सुर और ताल के साथ साथ सामीन का खामोश बैठकर सुनना भी इम्पोर्टेंट होता है। अपना गला आजमाने के बाद हमने प्रोग्राम डीजे वाले बाबू को ओवर कर दिया। और फिर आराम से कुर्सी पर बैठकर समुंदर की लहरों और इसकी आवाज पर फोकस करना शुरू कर दिया। ऐसा बहुत रिलैक्सिंग आवाज़ थी। सनसेट तो वैसे भी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ नेचर, बट भाई साहब जो मज़ा इसका सी व्यू पर आता है ना, कसम से पैसे बराबर हो जाते हैं। मतलब सूरज की किरणें जब समुंदर के नीले पानी पर पड़ती है और फिर उधर से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पर लगती है, ये बिल्कुल समुंदर के पानी को बिल्कुल चमकता हुआ बना देती है। और साथ में लहरों की आवाज़ें भाई साहब जो चर्स यहाँ पर मिलती है ना, दुनिया की किसी भी कोने में नहीं मिल सकती आपको। ये वो जगह है जहाँ हम आए थे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, लेकिन मैं बाहर इसलिए निकला हूँ क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा तेज़ वो म्यूज़िक लगाया है, तो मुझे ना मेरी आवाज़ अब तक नहीं पहुँचती इधर, तो इसीलिए मैं बाहर निकला। तो अभी मतलब तकरीबन इधर बहुत टाइम हुआ हमारा, सब जितना इन्जॉय हमने करना था हमने कर लिया, बीच में मैंने गाना भी गाया, आपने सुन भी लिया होगा, थोड़ा कमेंट में बताया आवाज़ किस तरह भाई की। तो अभी चलेंगे इंशाल्लाह, बस इस उधर तैयार खड़ी है, आधे घंटे में बस इधर से निकल रहे, तो फिर इंशाल्लाह आपको भी अपने साथ लेकर चलेंगे। स्टे ट्यून्ड। और फिर ज्यादा नहीं कुछ ही देर बाद ये आवाज हमारे कानों पर पड़ी। दिल तो नहीं चाह रहा था भाई साहब, लेकिन क्या करे दुनिया वाले हैं, ना ठीक से गाने दिया ना बैठने। चलो अब मैम ने इतने प्यार से कहा है तो चल देते हैं। So yeah, it's time and we are leaving now. बस ना ना तादाव बात खत्म, पिकनिक खत्म है। मेरे चश्मे वाला भी एक भी ना खाया पिया हजम किया बस। और बस इस सामने आप देख सकते हैं कड़ी है, बस बस में बैठना है, कुरंगी के लिए निकलना है, होम स्वीट होम। हाय गाइस, उसकी याद आ गई जब हम घर जा रहे होते तो इस तरह बस होते थे, बड़ी दिन हुए घर के याद आ गई। बस में बहुत टाइम तो मैं ड्राइवर की तरफ ही देखता रहा, फिर जाने कब मेरी आंख लगी और भाई साहब सो गया मैं। पहुंचते पर हफीज ने मुझे उठाया कि भाई साहब उठो हम मंजिल पर पहुंच गए हैं।
गाड़ी ऑलरेडी हमने बुलाई हुई थी, रजिस्टर आई, बस से उतरे, गाड़ी में बैठ गए और कुरंगी के लिए निकल पड़े। तो बस भाई साहब यही था फॉर टुडेज व्लॉग, होप सो यू एंजॉयड। It's hard, it's cold.